10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launches more than just a sight. चंदा मामा से मिलने के बाद अब सूरज दादा के करीब जाने की तैयारी। अब सूरज पे जाएगा भारत का अंतरिक्ष यान। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ आपके साथ मुकुल सिंह मोरावत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब बारी है सूर्य पर सफलता हासिल करने की। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या करेगा आदित्य L1, हम जानेंगे इस वीडियो में। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड को लेकर जाएगा। यह पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परत कोरोना का जायजा करेगी। सूर्य में होने वाली विस्फोटों से धरती की नजदीकी स्पेस में दिक्कत हो सकती है, साथ ही जितने भी उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट से उनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं का पता अगर पहले चल जाए तो बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। तमाम स्पेस मिशनों को चलाने के लिए स्पेस के मौसम की समझ बहुत जरूरी है। इस मिशन से हम स्पेस के मौसम का और भी समझने में आसानी कर पाएंगे। भारत और पूरे विश्व को जो कि बहुत ही मददगार है, इससे इसरो सौर हवाओं की स्टडी भी करेगा। मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों? आदित्य L1 मिशन के नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है। L1 का मतलब लॉन्ग रेंज पॉइंट 1। लॉन्ग रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो बड़े पिंडों, कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लॉन्ग रेंज पॉइंट वहां अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल का काम करता है। यहां पर किसी भी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई सारी जानकारियां जुटाई जा सकती है। चूंकि हम सूर्य को आदित्य भी कहते हैं और इस लक्ष्य को L1 पॉइंट तक पहुंचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा जहाँ L1 पॉइंट होता है। इसी स्थान से सैटेलाइट सूर्य को ग्रहण के समय भी 24 घंटे पूरी तरह से निगरानी रख सकता है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सूर्य धरती और चंद्रमा के बीच 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट है, जिसमें से एक है लॉन्ग रेंज पॉइंट 1। आदित्य L1 की लाइफ स्पैन 5 साल तक बताई जा रही है। यह मिशन भारत और पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जल्दी मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद।